नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती देर रात्रि अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन अधिकारी के नेतृत्व में भोगपुर, टाडा, भागमल, कटारपुर, विशनपुर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर खनन विभाग की टीम ने दो ट्रैक्टर, उप खनिज आरबीएम के भरे पकड़े और कई ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि बीती देर रात्रि खनन विभाग को भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही खनन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कई ट्रैक्टर चालक खाली ट्रैक्टरों को लेकर वहां से भाग निकले। दो ट्रैक्टरों को मौके पर पकड़कर सीज की कार्रवाई की गई। इनका कहना है कि अवैध खनन पर खनन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दिन और रात में अवैध खनन पर छापेमारी की कार्रवाई होती रहेगी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। कल रात को हमें भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन होने की संभावना के दृष्टिगत शिकायत प्राप्त हुई थी। हमारे द्वारा रात को 10:30 बजे टीम तैयार करके मौके की ओर रवाना की गई, जिसमें हम स्वयं भी इसमें सम्मिलित थे। रात को 1:30 बजे के आसपास हमें टाना भागमल के क्षेत्र में कुछ ट्रैक्टरों की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें हमें जरा उस तरफ की तरफ जांच की गई, जिसमें कई ट्रैक्टर खाली ट्रैक्टर भाग निकले और दो ट्रैक्टर हमको पकड़ में आए थे, जिनको रात को रेस्टोरेंट के समय में सीज कर दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ लगातार खनन विभाग की कार्रवाई गतिमान है और नाइट गश्त हम लगातार जारी रखेंगे। किसी को भी अवैध खनन के कार्यों में अब लिप्त नहीं होने दिया जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।